हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आम के अचार, जिसे हमारे यहाँ आम कुचा भी बोला जाता है। आप इस तरह से आम के अचार बनाकर रेडी करेंगे ये तो सालों तक ये ख़राब नहीं होता, और आप इसे बहुत इजीली घर के मसालों से भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। और इतना आसान तरीका है कि इसे कोई भी बना सकता है। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 केजी आम लिया है, जिसे अच्छी तरह से धोकर मैंने इसका पानी पूरी तरह से सुखा लिया है। आप देख सकते हो, आप इस तरह से इसे पहले ड्राई कर ले, उसके बाद ही आप इसे छीले। इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके अचार खराब हो जाएगी। आपको इस तरह से आम का छिलका उतार लेना है। इसी तरह हम सारे आमों को छील लेंगे। अब इसे हमें रफली छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। आप देख सकते हो, आप इस तरह से चाकू से भी इसे छोटी छोटी पीसेस में कट कर ले, या तो आप हैंड चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैंने से सारे आमों को कट कर लिया है। आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे पीसेस मैंने आम को कट कर लिया है। इसको मैंने हैंड चॉपर से कट किया है। आप चाहे तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं, या तो हैंड चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मसाला रेडी करेंगे अचार के लिए। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सरसों, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच मंगरेला जिसे कलौंजी भी बोला जाता है, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच मेथी। मैंने सारे चीज़ों को 2-2 चम्मच लिया है। अब इसे हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई को अच्छी तरह से हम गर्म कर लेंगे और इसका फ्लेम लो कर देंगे, और लो फ्लेम में हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इससे सौंधी सौंधी खुशबू ना आए। अब इसमें हम कुछ ड्राई चिल्ली डालेंगे, जो कि मैंने 10 से 12 ड्राई चिल्ली लिया है। अब इसे हम लो फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हो, मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, फिर इसे हम ग्राइंड करके इसका एक अच्छा सा पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हो, इस तरह से आपको थोड़े मोटे में इसका पाउडर बनाकर रेडी करना है। अब हम इसके लिए मिर्च कट कर लेंगे। मिर्च को आपको थोड़ी पतली पतली स्लाइस में कट करना है, जिससे ये जल्दी गलेगा अचार के साथ। मैंने यहाँ पे 2 केजी आम के लिए 250 ग्राम मिर्च लिया है। इसका अमाउंट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट आम थोड़ी खट्टी होती है, तो इसको चटपटा बनाने के लिए अगर आप इसे तीखा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह हम सारे मिर्च को कट कर लेंगे। अब इसमें हम मसाला डालेंगे जो हमने रेडी किया। साथ में यहाँ पे हल्दी डालेंगे। मैंने यहाँ पे हल्दी 6 बड़े चम्मच लिया है, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर कलर के लिए, जिससे कि अचार का कलर बहुत अच्छा सा आएगा, वो भी मैंने 7 चम्मच लिया है। नमक स्वाद अनुसार डालें। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 केजी सरसों का तेल लिया है। तेल डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप इसमें जितना तेल डालेंगे आपका अचार उतना अच्छा बनेगा और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। आप चाहे तो इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हो, मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम मिर्च डालेंगे और मिर्च डाल के इसे हम एक बार अच्छी तरह से और मिला लेंगे। बट ध्यान रखें, अगर आप मिर्च डाल के मिला रहे हो तो आप किसी स्पून की मदद से ही मिलाएं, जिससे हाथ आपका बिल्कुल नहीं जलेगा। मसाला का मिक्सर बनकर हमारा रेडी। अब इसे हम ग्लास का बोतल में डाल देंगे। आप इस बात का ध्यान जरूर रखें, अगर आप अचार बना रहे हो तो एक ग्लास का बोतल इस्तेमाल करें, जिससे कि अचार जल्दी गलता है। इस तरह से आपको अचार को फिल कर देना है और इसे अच्छी तरह से एयर टाइट ढक्कन से बंद कर दे, और इसे कम से कम, और आप इसे धूप पे रख दे। ये 3 दिन में खाने लायक हो जाता है, बट आप इसे 1 सप्ताह तक धूप पे रखें, जिससे अचार पूरी तरह से गल जाएगी। आप इस तरह से अचार की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।